तो सबसे पहले जब आप एम्बेसी ऑफ लिस्बन के अंदर सर्च करोगे, इंडिया एम्बेसी ऑफ इंडिया लिस्बन में पासपोर्ट वाली ऑप्शन पे जाओगे, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो तीसरे नंबर पे फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है तीसरे नंबर वाली ऑप्शन पे फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप जब ओपन करोगे आपको यहाँ पे अपनी आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी, पासपोर्ट ऑफ इंडिया लिस्बन के पोर्टल पे रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आपको। जब आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपसे नाम की ऑप्शन मांगेगा, आपका नाम, सरनेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है। ये कैसे करनी है आप देख लीजिए। और जैसे ये मैंने यस पे क्लिक किया है, डू यू वांट योर लॉगिन आईडी टू बी सेम एज ईमेल आईडी, आप यस पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंट क्वेश्चन क्या है, जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रही थी हिंट क्वेश्चन पे। उसके बाद आप ये क्यूआर कोड फिल करेंगे तो आपका जो है यहाँ पे आप रजिस्टर हो जाएंगे, आपकी आईडी बन जाएगी। आईडी बने जाने के बाद यूज़र लॉगिन पे आपको क्लिक करना है, तो मेरी ऑलरेडी आईडी बनी हुई है तो मैं यूज़र आईडी अपनी लगा के लॉगिन कर रहा हूँ। और जब आप यहाँ पे ये एक कोड आ रहा है इसको भर देंगे, जो भी लिखा आ रहा है, एक दो बार कई बार रॉन्ग बताता है, इसे दो तीन बार क्लिक करके आप भर लीजिए तो आपका यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। तो पहला जो ऑप्शन आ रहा है अप्लाई फॉर ऑर्डिनरी पासपोर्ट, इस पर क्लिक करना है। ये रीन्यू के लिए भी है, एप्लीकेशन फॉर फ्रेश एंड रीन्यू पासपोर्ट, ये क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका फॉर्म खुल जाएगा जो आपको फिल करना है। तो सबसे पहले आपको बता रहा है पासपोर्ट टाइप, आपने इस पर जो है री इशू वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आपने री इशू ऑफ पासपोर्ट, और आपने ऑप्शन सेलेक्ट करनी है कि 3 साल से पहले एक्सपायरी की वजह से मैं चेंज कर रहा हूँ, री इशू कर रहा हूँ, तो ये दूसरी ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लेनी है। और नॉर्मल एप्लीकेशन रखना है और 36 पेज का आपको चाहिए पासपोर्ट, तो आपने ये फिल करके आगे ऑप्शन आना है। आगे ऑप्शन आ रही है नाम भरने की, तो नाम आप यहाँ पे आपका जो भी नाम है, मैं नरेंद्र मोदी लिख रहा हूँ, और मान लीजिए हम मोदी का पासपोर्ट बना रहे हैं तो यहाँ पे हम नरेंद्र और उसका सरनेम जो भी है पासपोर्ट पे आपके मोदी वो लिख देना है आपने, ठीक है। और जेंडर लिख देना है यहाँ पे मेल, और हैव यू एवर नोन बाय अदर नेम्स, क्या आपको किसी और नाम से जानते हैं, आपने नो ही लिखना है यहाँ पे। अगर आपको मोदी के अलावा कुछ और भी कहते हैं तो आप सिर्फ नो ही लिखेंगे यहाँ पे, वरना आपको वो फिल करना पड़ेगा और क्या कहते हैं। दूसरी ऑप्शन है कि आपने कभी अपना नाम बदला है, तो आप नो लिखें अगर नहीं बदला है तो। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ भर लीजिए, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो भर लीजिए, प्लेस ऑफ बर्थ भर लीजिए, कहाँ पे आपका जन्म हुआ है, तो यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ बता रहा है, मैं उसका सूरत भर देता हूँ, शायद गुजरात में ही हुआ था। तो उसके बाद आपका बता रहा है कि बर्थ आउट ऑफ इंडिया, इंडिया से बाहर था, आपने लिखना है नो। और यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है, गुजरात आपकी जो भी स्टेट है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो मैं ये सिटी सेलेक्ट कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट। और आप मैरिड है, अनमैरिड है, सिंगल है, मोदी सिंगल है तो मैंने सिंगल लिख दिया, तो वो इंडिया की सिटीजन कैसे हैं आप, तो बाय बर्थ इंडिया के सिटीजन है, आपका जन्म अगर इंडिया में हुआ है तो आप बाय बर्थ लिखेंगे। तो काम क्या करते हैं यहाँ पे, अगर प्राइवेट जॉब करते हैं प्राइवेट कर दो, मोदी गवर्नमेंट है तो मैंने गवर्नमेंट कर दिया। उसके बाद 10th पास लिख दें अगर आपको चाहिए पासपोर्ट, अगर आप 10th पास हैं तो 10th पास लिख दीजिए। तो यहाँ पे लिख आ रहा है जो नॉन ECR कैटेगरी, जो लोग 10वीं से कम पढ़े हुए हैं, 10th पास नहीं है, उनके लिए यहाँ पे आता है नो। और जो 10वीं पास हैं, 10वीं तक पढ़े हैं, वो यहाँ पे यस क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपने यस कर देना है, अगर आप पढ़े हैं तो आपने यस कर देना है। नॉन ECR वाली ऑप्शन पे मैं फिर से बात कर रहा हूँ, इसको आपने यस कर देना है, और अपना आधार कार्ड नंबर आपने डाल देना है सबसे नीचे। इसका मतलब कि आपका इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड नहीं है, आपको इमिग्रेशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हैं, आप पढ़े लिखे हैं तो ये मतलब होता है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपने इस पर जो है नो करना है।
उसके बाद आधार कार्ड नंबर आप अपना यहाँ पे फिल कर दीजिए। मैं ऐसे ही कुछ भी कर रहा हूँ, कुछ भी फिल कर रहा हूँ और आगे नेक्स्ट फॉर्म पे जा रहा हूँ। और उसके बाद आप जो है यहाँ पे फैमिली डिटेल्स आ रही हैं, आप फादर नेम अपना यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है जी। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मोदी से फादर गिवन नेम, फादर का लास्ट नेम डाल सकते हैं, जैसे सिंह हो गया, शर्मा हो गया, गुप्ता हो गया। तो इस तरह से आपने मदर नेम भी लिख देना है यहाँ पे, जो भी मदर नेम है, और मदर नेम का सरनेम जो है वो लिख देना है। और ये जो लीगल गार्डियन नेम आ रहा है ये भरने की ज़रूरत नहीं है। ये जो अनाथ बच्चे होते हैं जो सेपरेट रह रहे हैं अपने माता पिता से, तो उनके लिए ये ऑप्शन होता है कि इनका लीगल गार्डियन कौन है, जो कोर्ट के द्वारा तय किया जाता है। अगर आप अपने माता पिता के साथ ही रह रहे हैं या आपके माता पिता अलग अलग नहीं हैं, तो आप इस पर कुछ भी ना लिखें, नोट रिक्वायर्ड लिख दें या फिर कुछ भी ना लिखें इस पर, ऐसे ही नेक्स्ट की ऑप्शन पे जाएं। और अगर नेक्स्ट ऐसे नहीं जा रहा तो आप नोट रिक्वायर्ड एन ए लिख सकते हैं, ऐसे कुछ लिख सकते हैं अगर नहीं जा रहा, मगर आप कुछ भी ना लिखेंगे तो ये नेक्स्ट पे चला जाएगा। तो मैंने फिल किया था तो नेक्स्ट नहीं जा रहा था, अभी मैंने हटाया है तो फिर नेक्स्ट पेज पे आ गया है। तो नेक्स्ट पेज पे अभी आपको यहाँ पे अपना एड्रेस फिल करना है। पहला एड्रेस आपने वो लिखना है जो आपको अपने पासपोर्ट पे चाहिए, प्रिंटेबल एड्रेस। तो यहाँ पे आपने इंडिया का एड्रेस लिखना है सबसे ऊपर, इज़ योर पासपोर्ट प्रिंटेबल एड्रेस आउट ऑफ इंडिया। इस पर नो करना है कि नहीं, मेरा जो पासपोर्ट पर एड्रेस है वो इंडिया के बाहर का नहीं है, क्योंकि आप इंडिया के ही रहने वाले हो। तो पहला एड्रेस जो है आप इंडिया का भर लीजिए सारा। यहाँ पे आप अपना जो पासपोर्ट पे एड्रेस है वो उसी तरह से छेप दीजिए, डिस्ट्रिक्ट सिटी हर कुछ, थाना क्या लगता है, पिन कोड क्या है, सारा कुछ आप वहाँ पे लिख दीजिए पहले एड्रेस पे। और दूसरा एड्रेस आपने लिखना है पुर्तगाल के अंदर जो है आपका सेकंड एड्रेस, जहाँ पे आपका पासपोर्ट आएगा, है ना। तो अगर आपके पास जुनता है ठीक है, जुनता नहीं भी है, जहाँ पे आप पासपोर्ट मंगवाना चाहते हैं वो वाला एड्रेस आप लिख दीजिए, जहाँ पे अभी आप पुर्तगाल में रह रहे हैं। तो सेकंड एड्रेस पे आप वो लिख दीजिए सारा पुर्तगाल का एड्रेस, यहाँ पे आप कंट्री वगैरह सारा कुछ सिलेक्ट करके लिख दीजिए। कंट्री में हम पुर्तगाल सिलेक्ट करेंगे, सिटी आपकी जो भी है, मैंने लिस्बन सिलेक्ट किया, आपकी जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फॉर्म फिल करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, मोबाइल नंबर इंडिया वाले एड्रेस पे इंडिया का, यहाँ वाले एड्रेस पे यहाँ का, यहाँ पे नो चेंज पे कलेक्ट सिलेक्ट करके आप आगे बढ़ सकते हैं कि मुझे कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। नो चेंज पे क्लिक करेंगे तो आप जो है हरे वाले पे क्लिक करिए, यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल भर दीजिए, जो भी आपका, जिसे भी आप इमरजेंसी चाहते हैं कि अगर मुझे कोई इमरजेंसी हो इसे कॉन्टैक्ट कर लिए, उसका नंबर वगैरह भर दीजिए। अपने पासपोर्ट के डिटेल्स जो थी, आपकी पासपोर्ट नंबर, आपका पासपोर्ट कहाँ इशू हुआ, एक्सपायरी डेट क्या है उसकी, वो सारा यहाँ पे आप फिल कर दीजिए अपने पासपोर्ट की डिटेल, पासपोर्ट से देख के। यहाँ पे आप डिटेल्स नॉट अवेलेबल लिखिए और नो पे क्लिक करें आप, यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे अपना फ़ाइल नंबर भरिए जो आपके पासपोर्ट पे लिखा होगा ऑलरेडी। तो ये आगे फॉरवर्ड नहीं हो रहा क्योंकि मैं गलत डिटेल भर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने फॉर्म सबमिट किया हुआ है, मैं अपनी आईडी से गलत डिटेल भर के आपको दिखाने के लिए भर रहा हूँ। तो सिर्फ अभी तीन ऑप्शन रह गई हैं आपकी, अदर डिटेल्स आपसे वो पूछेगा, जो भी पूछेगा फिल कर दीजिएगा। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, पासपोर्ट प्रीव्यू वो आपका फॉर्म चेक करेगा सारी डिटेल ठीक है, पासपोर्ट डिटेल वेरिफिकेशन पे आपने हर एक ऑप्शन पे नो 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 करके आपने क्लिक करते जाना है। वो आपसे पूछता है आप पे कोई केस तो नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं, तो आप नो नो करके आगे बढ़ते जाएं और फॉर्म अपना सबमिट कर दें। और जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो आपको जो है आपकी फ़ाइल जो है फ़ाइल नंबर आ जाएगा, फ़ाइल प्रिंट करने की ऑप्शन वहाँ पे दिखाई दे जाएगी। तो आप जो भी है डिटेल अपनी एक बार लास्ट पे चेक कर लेना, उसके बाद वो डिटेल चेंज नहीं होती है। तो बस यही था, मैं आगे की तीन ऑप्शन इसलिए नहीं भर सकता क्योंकि मेरा फिर दोबारा से पासपोर्ट नरेंद्र मोदी के नाम से अप्लाई हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे नरेंद्र मोदी लिख कर आ जाए मेरे पासपोर्ट पे। तो बस यही था आपको दिखाने के लिए, मैंने ये किया। थैंक यू सो मच, और मिलता हूँ आपको किसी और अगली वीडियो व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।